हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी जो हम वीडियो देखेंगे उसका टाइटल एक ब्यूटीफुल टाइटल है। टाइटल है अ म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ इंडिया। तो बहुत ही सुंदर टाइटल है। अब देखते हैं वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये ब्यूटीफुल सा वीडियो। जिस देश से संसार को है ज्ञान का प्रकाश मिला, भारत का करता है कोटि नमन, तेरी ही गोदी में पला है शिष्य, तेरा है चमन। तेरे भरोसे हम जिए हैं ए मेरे भारतवर्ष, रखवाला है तू सभ्यता का, बचाई है संसार की छत। हिमालय की विशालता से तिब्बत का मिलन सदियों से प्राचीन है, धर्म दर्शन संस्कृति भाषा सबका एक चित्र है। ये मिलन अनमोल बेमिसाल और विचित्र है, प्रमिलिपि अमर कोश काव्य से ही हमने था संवाद किया। सरस्वती चंद्र शिला और नालंदा जैसे विद्या मंदिरों में संतराक्षित कमलशील और अतीश के सानिध्य में हजारों अनुवादकों की कर्म भूमि है तिब्बत। प्रणाम करते हैं भारत तुझे कोटि कोटि शतम शत। साहित्य सभ्यता का मिलन करवाया जिन अनुवादकों ने, मानवता का दिग दर्शन करवाया जिन जिन साधकों ने, इस धरती पर जिन्होंने खींचा मानवता का चित्र है। भारत तिब्बत का मिलन बेमिसाल और वसुधा को कुटुंब है कहता और शांति का प्रतीक है शास्त्र शास्त्र में परंगा साथ ही निर्भीक है। तिब्बत की भूमि का दान जब चीन ने हरण किया, तब गुरु ने आगे बढ़कर शिष्य को शरण दिया। है सच्चा रक्षक मानवता का जिसका हमने वर्ण किया।
विद्यालय। सरल जीविका के साधन सहज ही उपलब्ध है। देव भूमि में बिताए कुशल 60 वर्ष हैं। कैसे धन्य कहूं भारत, मिलते नहीं मुझे शब्द हैं। धन्यवाद भारत है तेरा, थैंक यू इंडिया, लव यू इंडिया। शतम शत प्रणाम, शत शत शतम शत प्रणाम है, शतम शत प्रणाम भारत, शतम शत प्रणाम है। ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। इतना प्राउड फील हो रहा था ये सुनकर कि हम उस कंट्री के हैं। बहुत प्राउड फील हो रहा था कि हमने देखो इतना अच्छा काम किया कि जब उनको जरूरत थी हमने उनको वेलकम करके बोला आओ आप हमारी कंट्री में आओ, ये अब आपकी भी कंट्री बन गई। और उसकी वजह से उन्होंने इतना ग्रैटिट्यूड शो किया और अभी तक शो कर रहे हैं कि उनका वो ग्रैटिट्यूड देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने सुंदर सॉन्ग उन्होंने बनाए हैं। ये एक सॉन्ग नहीं है, और भी बहुत सारे सॉन्ग्स। हमने इससे पहले एक और ऐसा सॉन्ग किया था, थैंक यू इंडिया वाला, वो भी बहुत ब्यूटीफुल था। उससे पता चलता है कि ये लोग जब आए हैं उनको रियलाइजेशन हुआ कि देखो हमें वहां पे इतना मतलब सहना पड़ रहा था और तब हमें इंडिया ने वेलकम किया और उसके लिए वो बहुत थैंकफुल है। तो मुझे तो कई बार ही लगता है ये सुन के कि भाई मैं उनको कहूँ कि आपको थैंकफुल होने की जरूरत नहीं है, आप भी अब इस कंट्री के एक पार्ट हैं। और वो बहुत बाखूबी, मैं कहूंगी बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं। जैसे आपने देखा है कि आर्मी में कितना मेजर रोल वो प्ले कर रहे हैं और कई ऐसी ऐसी लड़ाइयों में उन्होंने अपनी जान दी है, सैक्रिफाइस किया है कंट्री के लिए, और हमारी कंट्री जो है वो जीती है वो वॉर्स उनकी वजह से। तो वो भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और इंडिया भी अपना पार्ट प्ले कर रहा है। हम सबको अपना अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। बहुत सुंदर था, मतलब आंसू भी आने लग गए, पर वो आंसू दुख के नहीं थे, खुशी के आंसू थे, प्राउडनेस के आंसू आ रहे थे कि देखो कि इतना अच्छा काम करके इंडिया ने हम सबको कितना प्राउड फील करवाया है। बहुत ही बढ़िया गाना था, एक तो बहुत ही अच्छा गाया था, और लिखा है तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, मतलब वहाँ पे जो है उन्होंने सीखे हैं ये आर्ट्स और गा रहे हैं। और मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है कि जो तिब्बत से आए हैं लोग वो जो है इंडियन कल्चर में इंटीग्रेट हो गए हैं। उनका जो रिलीजन है वो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म का जन्म जो है इंडिया में हुआ था, तो ये तो कॉमन बात थी कि आप तिब्बत में जाइए तो वहाँ पे बुद्धिज़्म है रिलीजन, और बुद्धिज़्म यहाँ से गया था तो वो कॉमनैलिटी तो उनको मिलेगी। और दूसरा पीसफुल कंट्री है इंडिया जिसने उनको आने दिया, शरण दी, और अब जो है SFF का देखा था आपने किस तरीके से उन्होंने भी अपना योगदान दिया है इंडिया की स्ट्रगल्स में। उस एरिया में वो पैदा हुए हैं जहाँ पे उस हाई एल्टीट्यूड में वो सब लोग पैदा हुए थे, तो जेनेटिकली उनमें पावर है कि वो उस एल्टीट्यूड में अच्छी तरीके से लड़ सकें। और काफ़ी हमने वीडियोस भी किए थे जिसमें वो कुछ कह रहे थे, उनको पहले भी बहुत दुख है कि चाइना ने उनको उनके रीजन से निकाला था, तो अब वो जा रहे हैं मेक श्योर करने कि चाइना और ना ले सके। तो बहुत ही अच्छा है, और इसमें बहुत ही अच्छी इमेजेस दिखाई थी दलाई लामा जी की, इतने सारे इंडियन लीडर्स के साथ सबने ऐसे जया करके नमस्कार किया था, तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही खुशी होती है देखते हैं हम उस कंट्री से हैं, जो कंट्री जो है शरण देती है लोगों को, जिससे भाईचारा बढ़ता है। और आई होप कि सभी तिब्बतियन होप करते हैं कि एक दिन वो अपने देश शायद जा पाएंगे, नहीं गए तो उनको वैसे ही एक बहुत अच्छा देश मिला है जहाँ पे वो सदियों से रह सकते हैं और काफ़ी इंटीग्रेट भी हो रहे हैं। जैसा देख रहे हैं
इंडियन स्कूल्स में जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो असेंशली दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिया। और अगर उनकी अपनी लैंड मिलती है तो एक दिन वापस जा पाएंगे, नहीं तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी कंट्री में बस जाएंगे और उसी की उनको खुशी है एंड दे आर शोइंग द ग्रेटिट्यूड। तो बहुत अच्छा सॉन्ग था, अमेजिंग। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा, ये बहुत ही सुंदर था। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।